ये तीन बच्चों मिलकर जंगल में खेल रहे थे, लेकिन तभी एक जुए आकर काजोल के कपड़े के अंदर चली जाती है और धीरे धीरे करके सर पे ही छुप जाती है। उसके बाद काजोल अपने घर चली जाती है। फिर वो सुबह उठकर देखती है कि उसके बिछौने में बहुत सारे जुए घूम रहे थे। ये देखकर काजोल घबरा जाती है और जल्दी जल्दी अपने माँ के पास चली जाती है। माँ आकर देखती है कि बिस्तर में तो सच में बहुत सारे जुए हैं, और इधर काजोल जुए के डर से भाग रही थी, लेकिन वो सारे जुए उसका पीछे करने लगते हैं। देखते ही देखते सारे गांव में जुए भर जाती है। उसके बाद काजोल भागते भागते अपने दोस्त के पास चली जाती है। दोस्त भी काजोल और जुए को देखकर बहुत ही घबरा जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक इच्छाधारी नागिन आ जाती है। नागिन को देखते ही सारे जुए भी खुद बड़े हो जाने लगते हैं। ये देखकर नागिन अपने शक्ति से उस जुए को खत्म कर देती है। लेकिन इधर गांव में एक जुए बहुत ही बड़ा राजा बन चुका था और वो सभी गांव वालों को मारने ही वाला था। अब आगे देखने से पहले, हे माता रानी, जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, माता रानी उनके घर में कभी भी पैसों की कमी होने मत देना। उसके बाद नागिन और जुए के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन अंत में नागिन अपने शक्ति से उस जुए का राजा को भी खत्म कर देती है। राजा को खत्म होते ही सारे जुए भी खत्म हो जाते हैं।